हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि 2021 में आप कौन कौन से तरीकों का यूज़ करके अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेबल है और कुछ ज़्यादा चार्ज लेते हैं और कुछ कम चार्ज लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको तीन एप्लीकेशन या तीन ट्रिक्स कह लो उसके बारे में बताने वाला हूं। तो कंप्लीट डिटेल वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जिस एप्लीकेशन को तीसरे नंबर पर रखा हुआ है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का जो एप्लीकेशन है उसका नाम है सनापे। इसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। इस एप्लीकेशन में क्या होता है, बहुत सारे वॉलेट एक्सेप्टेड होते हैं जैसे कि फोनपे, फ्री रिचार्ज, ओला मनी वगैरह। तो इन सभी वॉलेट में आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू मनी को ऐड कर सकते हैं और वो भी बिना किसी चार्जेस के। उसके बाद में आप स्नापे एप्लीकेशन को यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने इसको तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो फ्री ऑफ कॉस्ट में सेटलमेंट होता है उसमें लगभग 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। वो आपको एक्सपेक्टेड डेट पहले ही बता देते हैं और यदि किसी तरह का हॉलीडे वगैरह आ जाता है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इस एप्लीकेशन का यूज करते हो अपनी क्रेडिट कार्ड की मनी को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये होगा तीसरा एप्लीकेशन सनापे। इसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को इस टाइम 0% चार्जेस में ट्रांसफर कर सकते हो। बात कर ले अपने दूसरे एप्लीकेशन की, तो दूसरा एप्लीकेशन है मोबीक्विक। तो इसको मैंने दूसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा कम लिमिट है और इसका जो सेटलमेंट डेट है नेक्स्ट डे हो जाता है। तो इसके लिए जस्ट आपके पास दो एप्लीकेशन होनी चाहिए, एक तो मोबीक्विक वॉलेट और एक जो है मोबीक्विक बिजनेस अकाउंट। तो ये दोनों ही एप्लीकेशन बहुत ही इजीली आप रजिस्टर कर सकते हो इन दोनों ही एप्लीकेशन में। कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं मोबीक्विक बिजनेस एप्लीकेशन में, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अगर आपको बिजनेस एप्लीकेशन बनाना नहीं आता है या किसी तरह का इश्यू फेस करना पड़ रहा है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर एक बिजनेस अकाउंट बना लेते हो और उसके बाद में आप वॉलेट में पैसा को ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम आप 5,000 रुपए मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। इससे ज्यादा आप मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर आप करते हो तो 2% का चार्ज आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज और मैटर करता है, जब भी आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करने जाते हो तो आपको सेटलमेंट होने में 72 घंटे लग जाते हैं। यही जो भी ओल्ड यूजर है जो पहले से कर रहे हैं, जिन्हें लगता है ये ट्रिक्स अभी वर्क नहीं कर रहा है, अगर वो इस ट्रिक को यूज करेंगे मोबीक्विक वॉलेट और मोबीक्विक बिजनेस का, तो 5,000 रुपए इजिली मंथ में सेटलमेंट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। बात कर ले अपने पहले ट्रिक की जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो है जोमेटो और पेटीएम। जी हाँ दोस्तों, आप इन दोनों एप्लीकेशन का यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जोमेटो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद में माई प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर पेटीएम वॉलेट लिंक करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो जस्ट आपने अपने पेटीएम वॉलेट को लिंक कर लेना है और उसके बाद में आप जोमेटो वॉलेट रिचार्ज के थ्रू पैसा को ऐड कीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपका जो मनी ऐड होगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो 0% चार्जेस में पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास दो तरीके हैं मनी को ट्रांसफर करने के, जिसके लिए पहला तो तरीका है जिसका भी पेटीएम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर 0% चार्जेस में हो रहा है, वो जो है उस ट्रिक का यूज करके अपने वॉलेट मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं 0% चार्जेस में। और जिनका भी ये वाला ट्रिक नहीं वर्क कर रहा है, 1% का चार्ज ले रहा है, वो क्या करे, एक पेटीएम बिजनेस अकाउंट का यूज करे और अपने वॉलेट के थ्रू स्कैन एंड पे का यूज करके अपने पेटीएम बिजनेस पे ट्रांसफर कर ले। वो आपका नेक्स्ट डे भी सेटलमेंट हो जाता है यदि आपका पेटीएम बिजनेस अकाउंट नेक्स्ट डे सेटलमेंट वाला आपने सेट करके रखा हुआ है, या फिर इंस्टेंट भी सेटलमेंट हो जाता है कईयों का जिनको भी पेटीएम की तरफ से ये फैसिलिटी मिली हुई है। और इस ट्रिक के ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है जिसे अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे देखने के बाद में आप क्लियरली समझ जाओगे आप इन दोनों एप्लीकेशन का यूज करके कैसे ट्रांसफर कर सकती हो। और यहाँ पर मैं लिमिट की बात कर लूँ तो आप 10,000 रुपए पर मंथ
एक जोमेटो एप्लीकेशन के थ्रू मनी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने क्रेडिट कार्ड है उतने जोमेटो एप्लीकेशन बना लीजिए, सिंपल सा बात है। और वहाँ पर आप मनी को ऐड करके 0% चार्जेस में अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिलहाल जो 2021 में ये जो तीन ट्रिक्स है वर्क कर रहे हैं, जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इन तीनों एप्लीकेशन को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का आपको मनी होल्ड होने का या फंसने का डर नहीं है। यहाँ से जैसे ही आप मनी वगैरह ऐड करके ट्रांसफर करते हो तो जितना भी इनका सेटलमेंट का टाइम लगता है जस्ट उतना ही आपको लगेगा और आपका मनी जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बाकी और भी ट्रिक्स है और बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन उन सभी एप्लीकेशन को मैंने नहीं रखा है। रीजन ये है क्योंकि उन सभी वॉलेट में या फिर कह लो उन सभी एप्लीकेशन में आपका जो मनी है कई बार होल्ड हो जाता है या फंस जाता है, इस कारण से मैंने उन एप्लीकेशन को नहीं रखा है। तो ये तो हो गए तीन ऐसे ट्रिक्स जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और यदि आप और भी ऐसे ट्रिक्स जानना चाहते हैं जो कि 1% 1.5% पर अपने बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से एप्लीकेशन अभी वर्क कर रहे हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर दे दूंगा सिर्फ 2021 में कौन कौन से एप्लीकेशन वर्क कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।